हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल पिकेटी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन जानेंगे बोनीसन ड्रॉप और बोनीसन लिक्विड के बारे में, तो आइए जानते हैं। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए पैकिंग बहुत बढ़िया है और ये 30 ml का है और 50 रुपये इसकी MRP है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये 100 ml का है और 45 रुपये इसकी MRP है। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। ये जो बोनीसन ड्रॉप है, ये हिमालय कंपनी की एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि दस्त, गैस में, पेट के उपचार के लिए, शिशुओं और बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके उपयोग से जो है शिशुओं में सुधार होता है, ताकि जो उनका शरीर है या उनका स्वास्थ्य है जो हष्ट पुष्ट रहता है या रहे, ठीक। बोनीसन जो ड्रॉप है शिशुओं और बच्चों को जो समग्र स्वास्थ्य उनको बढ़ावा देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। यह जाहिर तौर पर यह जो दवा है एक अच्छी पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और जो रोगियों हैं, जो रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से बच्चों की रक्षा करती है और विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए उपचार में यूज होती है, ठीक है। जो बोनीसन ड्रॉप है वो पाचक के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब इन बीमारी जो इसमें बीमारी यूज़ होती है, देखते हैं कौन कौन सी। उदरसूल, इन बीमारी में इसका यूज होता है, उदरसूल, बदहजमी, पेट दर्द और दस्त, ठीक। इस जो बोनीसन ड्रॉप है इसमें इसका यूज होता है। अब इसकी खुराक देख लेते हैं। 1 महीने तक के शिशुओं के लिए जो है 5 से 10 बूंद और वो भी चिकित्सक की सलाह से लें, ठीक है। अब इसमें जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती है वो भी देख लेते हैं। गोखरू, आंवला, हिमस्त्रा, कसानी, गिलोय, पीपली, इलायची, दिल तेल इत्यादि आयुर्वेदिक औषधि इसमें पाई जाती हैं। अब जानते हैं बोनीसन लिक्विड, जिसको बोलते हैं बोनीसन सिरप भी बोलते हैं। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली हिमालय कंपनी की जो है बोनीसन सिरप है। यह भी हिमालय की आयुर्वेदिक दवा है। और ये कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की जो दवा है देने का तरीका है जो उसकी आयु पर निर्भर करता है, ठीक है। जो बोनीसन का जो सिरप है इसका प्रयोग कब्ज में, दस्त में, पेट में अगर गैस हो रही है तो उसमें, उल्टी हो रही है तो उसमें, पेट दर्द में, आपच में, भूख में अगर कमी हो रही है तो उसमें भी दे सकते हैं, पेट में अगर सूजन है, पेट में अगर ऐठन हो रही है और अन्य प्रकार के रोगों के उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो देख लेते हैं। मुख में खुजली होना और गले में सूजन हो जाना और उल्टी होना, ठीक है, ये तो उसके दुष्प्रभाव हैं। और जो इसमें गुडुची जो दवा मिली है वो मुख्य रूप इसका जो है पेट के लिए होता है, बच्चों को जो दस्त लगते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका जो डोज है वो 3 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए 5 ml और जो उससे ऊपर उसके लिए 10 ml, और ये डॉक्टर की सलाह से ही ले दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।